फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। तो वेलकम टू समायरा अधीराज ब्लॉग नंबर 30। थैंक यू सो मच मुझे ब्लॉग नंबर 30 तक पहुंचाने के लिए, इतना ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए, इतने पॉजिटिव कमेंट्स करने के लिए इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है, इसी वजह से मैं धीरे धीरे करके थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए, आज है मंडे, मेरा है फास्ट। मैं ये वाला व्लॉग डालने में थोड़ा सा लेट हो गई, उसका रीज़न ये है कि कल संडे था, मेरी औलाद ने मुझे व्लॉग शूट ही नहीं करने दिया। कभी कुछ परेशानी करती रही। तो आज इनकी क्लास है, अभी उठाना है। कल रात को हम डिनर पर चले गए थे तो थोड़ा लेट आए थे, तो अभी तक उन्हें मैंने उठाया नहीं है। मैं नहा ली हूँ, पूजा कर ली है, तो अब मैं बच्चों को उठाऊँगी और शुरू हो जाएगा मेरा दिन का पूरा जो रूटीन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आप भी लग जाइए मेरे साथ मेरे इस व्लॉग। मुझे लगता नहीं है कि आज बच्चे उठेंगे क्योंकि रात को बहुत लेट सोए हैं। समायरा तो फिर भी उठ जाएगी, अधीरा का उठना मुझे आज थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो ये देखो, ये अधीरा मैडम कैसे सो रही हैं रात को कैसे सोते हैं, सुबह कैसे मिलते हैं। आपके बच्चे भी ऐसे ही सोते हैं क्या? मिट्टू उठो, क्लास है बाबू आपकी। गुड मॉर्निंग, हैप्पी बच्चा, गुड मॉर्निंग। बाबू उठ जाओ, उठ जाओ बाबू, गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ। अरे ये बच्चा तो बहुत मुस्कुराता है, शुवा शुवा शोना शोना सा बच्चा। तो समायरा को तो मैंने उठा दिया है, वो नहाने चली गई है। मैं भी अपनी पूजा वगैरह करके आ गई हूँ। आज मैं नाश्ते में बच्चों के लिए बना रही हूँ पोहा। अधीरा तो अभी तक उठी नहीं है। समायरा ने बोला है कि मम्मा पोहा खाना है, ये भी बोल रहे हैं कि मैं पोहा खा लूँगा। तो आज मैं बहुत क्विक सा ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ क्योंकि आज मेरी नेल एक्सटेंशन वाली आने वाली है, वो घर पे मेरे करेगी कुछ नेल्स के साथ। इसलिए मैं आज 11 बजे का उसने टाइम दिया है, अभी 9 o'clock हुए हैं। तो मैं फटाफट अपने नाश्ते वगैरह का और बाकी जो काम है वो ख़त्म कर लेती हूँ। तो अब मैंने पोहा बनाने के लिए कर ली है सारी तैयारी, चॉपिंग वगैरह सब कर ली है। सरसों के तेल में ही बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फिर बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल देते हैं तो फिर बच्चे नहीं खाते हैं। तो इसको मैं बहुत ही सिंपल लेमन पोहा बनाऊँगी, बहुत ही आसान है इसकी रेसिपी, कुछ नहीं है। बस इसमें जो मेन है वो कड़ी पत्ता है, मूँगफली है और राई के दाने हैं जिसमें इसका छौंक तैयार होता है। डालने को तो इसमें हम बहुत सारी सब्जी ऐड कर सकते हैं पर समायरा को और इनको बिल्कुल प्लेन पोहा ही अच्छा लगता है, ज़्यादा कुछ नहीं मैं इसमें डालती। तो इसको बस इसका मेन वो है कि पोहा को कढ़ाई में डालने से पहले अच्छे से भीगा हुआ जैसे हम रख देते हैं तो इसको अच्छे से खोलना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये चिपका चिपका बनता है और खाने में भी अजीब सा ही टेस्ट आता है। तो इसको ऐसे अच्छे से खोल लें, उसे एकदम ये खिला खिला बनता है, देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। तो ये रेडी हो गया एकदम सिंपल। आज मुझे नमक वगैरह का टेस्ट तो आएगा नहीं क्योंकि फास्ट है। आज सारू की आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे लगता है वो आज क्लास करते करते सो गई है। ये देखो सो गई समायरा में सबसे अच्छी बात यही है कि वो मेरी हर बात मानती है। मैंने उसे एक बारी में उठा दिया, उठाना भी ज़रूरी था क्योंकि आज उसका रिविजन टेस्ट था। तो अब मैं उसको बस फर्स्ट और सेकंड पीरियड अटेंड करवाने के बाद सुला दूँगी। इतना भी सफ़र नहीं करवाना चाहिए बच्चों को, गलत बात है। अधीरे को आज मैंने नहीं उठाया, उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। तो समायरा को आलस आ रहा है, उसका आलस खोलने के लिए मैं उसे नाश्ता दे देती हूँ। उसके बस में होगा तो क्लास कर लेगी, नहीं तो कोई बात नहीं। कभी कभी बच्चों को थोड़ा सा फ्री छोड़ देना चाहिए, वो भी खुश हो जाते हैं तो ये मेरी लाडो बेटी की
प्लेट हो गई है रेडी नाश्ते की। नाश्ता आज हमारे को आ रही है नींद, है ना? क्योंकि हम लेट आए थे ना रात को। कोई बात नहीं, आप एक दो क्लास कर लो फिर सो जाना, ठीक है? मिठू मैडम तो आज उठे नहीं है, अब मैं यहाँ पे जमा रही हूँ दही, क्योंकि शाम को है मेरा फास्ट। दही के बारे में मेरी मम्मी ने बड़ी अच्छी ट्रिक बताई है कि फिंगर डाल के चेक कर लो, अगर आपकी फिंगर नहीं जलती है तो दूध तैयार है। एक चम्मच उसमें, एक चम्मच से भी बहुत कम खट्टा डालो और उसके बाद उसे जमने रख दो। मैं आज सुबह में दही इसलिए जमा रही हूँ कि फास्ट है तो फ्रेश रहेगी दही, एक दो घंटे में बनकर तैयार हो जाएगी और फिर मैं शाम को एकदम, खट्टी भी नहीं होती है, खाने में भी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे बैठ गए हैं हम दोनों अपना नाश्ता करने। मैं तो आज मैंगो खा रही हूँ, इन्हें मैंने पोहा दे दिया है, हमें भी थोड़ा टाइम मिल जाता है साथ में बैठ के गपशप करने का या नाश्ता करने का। कर रहे हो? ये क्या हो रहे हैं गंदे बच्चों? हाय, जॉनी जॉनी यस पापा, कौन बच्चा सुनाएगा मेरे को? पहले परी सुनाएगी, परी की टर्न है, परी सुनाओ। अच्छा अब आदिरा की बारी, चलो मिठू आप सुनाओ। परी वेट, यहीं रहो मिठू सुनाएगी। हाँ जॉनी जॉनी सुनाओ। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाइ नो पापा, ओपनिंग माउथ हा हा हा। वेरी गुड। तो समायरा आज सो गई थी 2-3 घंटे के लिए, इतने मेरा लंच रेडी हो गया है, मैं उसको ही लंच दे रही हूँ। लंच में आज मैंने बनाई है भिंडी की सब्ज़ी, दाल चावल, रायता। तो सारू को मैं हमेशा दाल में घी डाल के देती हूँ, उसे पसंद नहीं है। समायरा तो ये तैयार है समायरा की प्लेट। डाइनिंग टेबल पे आओ बेटा, खाना खाओ। आ जा परी, आ जा बेटा, आ जल्दी आ तू भी, हाँ घुमा ले टीवी। बारिश ने एक तो ऐसे नाच नचा रखा है, अभी कपड़े धुले थे बाहर सुखाए स्टैंड पर, फिर बारिश आ गई, अंदर रखे हैं, अब फिर एकदम से मौसम ऐसा हो गया है तो अब मैं यहाँ से कपड़े उठा के फिर बाहर रख रही हूँ। अभी थोड़ी देर बाद मेरे साथ फिर ट्रेजिडी होगी कि फिर बारिश आ जाएगी, फिर मुझे स्टैंड अंदर रखना पड़ेगा। अंदर ज़्यादा देर तक इसलिए नहीं रख सकते कि सीले सीले कपड़े हो जाते हैं, उनमें स्मेल हो जाती है, तो इसलिए अब बाहर थोड़ी अच्छी धूप निकली है तो मैंने कहा अब स्टैंड उठा के मतलब कपड़ों को मैं बाहर टेरेस पे ही सुखा दूँ। तो लंच सबने कर लिया है, मैंने किया नहीं है क्योंकि आज मेरा व्रत है। शाम को मैंने फ्रेश दही जमा दी थी तो शाम को मैं मीठा ही करती हूँ, सोमवार का व्रत, तो मैं शाम को उस पराठे बनाऊँगी दही के साथ खा लूँगी पूजा करने के बाद। अब मेरा जो काम रह गया, एक तो मेरे को वो जो नेल आर्ट वाली आने वाली थी ना, उसने पागल बना दिया। उसका कल मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि आज मैम मैं आ जाऊँगी, 45 मिनट्स में मैं फ्री कर दूँगी आपको। उसके बाद उसका मैसेज आया कि मैम मुझे फीवर हो रहा है, मैं नहीं आ सकती। उसके मारे तो मैंने जल्दी जल्दी काम किया था, पर कोई बात नहीं, फिर कभी आ जाएगी, फिर कभी हो जाएगा काम। तो अब मैं जो मेरा काम बचाएगी, मैं पहले सबसे पहले तो प्रिंटर में इंक डालूंगी क्योंकि उसमें इंक ख़त्म हो गई है, बच्चों के प्रिंट आउट्स वगैरह कुछ ना कुछ निकलते रहते हैं। इंक डालने के बाद मैं कुछ किचन से रिलेटेड पिक्चर्स निकालूंगी, मेरे पास 3 फ्रेम पड़े हुए हैं, उनको फ्रेम में लगाऊंगी पिक्चर्स को, और उसके बाद किचन की जो वॉल है उसके ऊपर हैंग करूंगी। तो आपके साथ भी शेयर करूंगी कि हैंग करने के बाद वो कैसी लग रही हैं, कुछ थोड़ा सा डेकोरेटिव हो जाएगा फॉर द किचन। तो चलिए, वो मैंने अपनी मम्मी के घर के लिए जो फ्रेम मंगवाए थे उनमें से ये 3 फ्रेम बच गए थे जिन्हें आज मैं यूज़ करूँगी। ये क्लिप्स हैं, हैंगिंग क्लिप्स, ये बहुत अच्छे से हैंग हो जाती हैं और बड़े अच्छे से ये वुडन में या दीवार में बहुत अच्छे से चली जाती हैं अंदर। ये वाली जो पार्टीशन है वुडन पार्टीशन किचन का, उसके ऊपर मैं लगाऊँगी और यहाँ पर निकल रही हैं पिक्चर्स। ये कुछ किचन कोट्स हैं जो मैंने गूगल से डाउनलोड करे हैं, जैसे यू आर व्हाट यू ईट,
ये मुझे अच्छा लगा था तो मैंने इसे प्रिंट कर लिया। ऐसे ही मैंने 2-3 और प्रिंटआउट्स निकाले हैं, गूगल से ही डाउनलोड किए थे। तो यहाँ ये वाला है जो सिंपल है, ईट। अच्छे लगते हैं ऐसे, मतलब प्यारे प्यारे से कोट्स किचन के लिए। और ये आ गया थर्ड वन, आई लव कुकिंग। तो ये हैं तीनों, A4 शीट पर मैंने निकाले हैं प्रिंटआउट्स। अब इनको मैं अच्छे से कट करके फिर मैं फ्रेम्स में लगा दूंगी और फिर मैं आप लोगों को इन्हें दीवार पे हैंग करके दिखाऊंगी। मेरी बचपन से ही आदत है कि मैं घर को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ लगी रहती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें घर में पड़ी हों मैं उन्हें ही यूज़ करूँ। तो यहाँ पर जितना बड़ा फ्रेम है उसी के अकॉर्डिंग मैंने पिक्चर्स को कट कर लिया है, और ये जो क्लिप्स हैं इनको मैंने पहले ही हैंग कर दिया था। तो ये वन बाय वन मैं फ्रेम हैंग कर रही हूँ। तो ये देखो, ये ऐसे हमारे रेडी हुए हैं। अब आप लोग मुझे बताओ कि आपको कैसे लगे हैं, मुझे तो बड़े अच्छे लगे हैं। सुलती, ओ सुल्तान, गर्मी लग रही है बाबू, गर्मी लग रही है। एसी चल रहा है फिर भी गर्मी लग रही है। इधर आओ, खड़े हो गए, इधर आओ, मेरे पास आओ। यस गुड बॉय, गर्मी लग रही है सुल्तान को, गर्मी लग रही है। माय नेम इज सुल्तान, मैं हूँ गंदा बच्चा, मैं हूँ बहुत गंदा बच्चा। अच्छा गो बैक, सिट डाउन, गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। हाई फाइव कर दो, हाई फाइव। अच्छा हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो। नहीं करेगा, मूड ही नहीं है। अच्छा बाय बाय कह दो सबको, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, मैंने तो लगा दिए हैं ये वाले फ्रेम्स, शायद इसी को DIY बोलते हैं। आई होप कि आप सबको ये पसंद आया होगा। और तो फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अभी मुझे मेहंदी लगवाने भी जाना है, व्रत का खाना भी बनाना है। व्रत के खाने में ज़्यादा कुछ नहीं करना, पराठे बनाऊंगी, सिर्फ दही के साथ खा लूँगी। उसके बाद मैं मेहंदी लगवाने जाऊंगी। मैं आई होप आज का ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना। तो फ्रेंड्स, ये मैं लगवा के आ गई हूँ अपनी मेहंदी, देखो कैसी लग रही है। आप भी लगवा के आओ यार, सब अच्छी अच्छी मेहंदी लगवा के आओ। आफ्टर ऑल तीज है, तीज मेरा तो फेवरेट फेस्टिवल है, मुझे बड़ा मज़ा आता है तीज पर मेहंदी लगवाना, रेडी होना, पूरा अच्छे से सुंदर सुंदर दिखना। आई रियली लव दिस फेस्टिवल। आप लोग भी इंजॉय करो अपना फेस्टिवल, अच्छे से मनाओ। तो ये है मेरी मेहंदी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी मेहंदी अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड एंजॉय तीज, बाय।